हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है पब्लिश फ्री इन एससीआई स्कोपस यूजीसी कियर जर्नल्स। और अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो फर्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट वीडियो में हमने स्कोपस में किस तरीके से स्कोपस की वेबसाइट पे हम जर्नल को सर्च करते हैं वो बताया था। आज हम कुछ एससीआई जर्नल्स को सर्च करके दिखाएंगे तो किस तरीके से एससीआई की साइट पे हम सर्च करते हैं, तो कुछ चैनल्स भी डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अनपेड एससीआई इंडेक्स जनरल करना चाह रहे हैं। इसमें हमारा वही मेन फील्ड्स हैं कि किस तरीके से एससीआई इंडेक्स को सर्च करें, उसका स्टेटस और कंटिन्यूटी देखें, और कितने फ्रिक्वेंसी पब्लिकेशन हो रहा है या कितना टाइम लग रहा है पब्लिकेशंस में वो चेक करें। तो क्या करना है आपको सबसे पहले, हाउ टू चेक जर्नल इन एससीआई जर्नल। सबसे पहले एम और स्कोप्स पर देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस रेट, फ्रिक्वेंसी। और तो एससीआई जर्नल्स को सर्च करने के लिए हम sci.journal.org पे वेबसाइट पे जाते हैं। तो अब मैं आपको एक जर्नल ऐसे सर्च करके दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं कुछ जर्नल्स को, हर एक जर्नल को मैं वेबसाइट से नहीं सर्च करके बता रही हूँ, ठीक है। मेरे सारे वेरीफाइड है यहाँ पे मैं जो जर्नल डिस्कस करने जा रही हूँ, लेकिन जैसे मैं एक जर्नल को आपको सर्च करके दिखा रही हूँ ऐसे ही आप उन सब जर्नल्स को भी देख सकते हैं, या उसके अलावा आपको कोई और आपको फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया है एससीआई जर्नल तो आप उसको भी वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि फर्स्ट कि किस तरीके से हम sci.journal.org से देखते हैं जर्नल्स को कि वो एससीआई इंडेक्स है कि नहीं है। अभी मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, sci.journal.org में जाना है। टैब बार में आप उसको टैब में टाइप करेंगे या गूगल से सर्च कर सकते हैं तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। फिर आप यहाँ पे उस साइट का या उस जर्नल का नाम लिखेंगे जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं वो एससीआई में है या नहीं है, तो आप उसको क्लिक करेंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप पूरा डाटाबेस आपका ओपन होके आ जाएगा एससीआई का से रिलेटेड जर्नल्स का। फिर यहाँ पे आपको अपना जर्नल दिख गया, आप उस पे क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आप एससीआई जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर डाटाबेस में पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये सिटी है जर्नल और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 6.557 है, स्कोपस भी है ये, एससीआई भी है। यहाँ इसकी आप बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये एल्सवेयर का है और 83 से अभी भी ऑनगोइंग है। यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम इसके वेब पे पहुंच जाएंगे, साइट पे पहुंच जाएंगे। कुछ एससीआई जर्नल इस लिंक्स पे वर्क नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे एससीआई साइट पे आ रहे हैं और ऑनगोइंग दिखा रहे हैं तो वो अभी भी एससीआई में है बट वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है। एससीआई में ऐसा हो सकता है कुछ कुछ जर्नल्स के साथ। और फिर यहाँ पे आप नीचे इसका सारा रैंकिंग और सब देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इंडेक्स्ड है, ये एससीआई, एससीआईई और एसएससीआई में भी है। अभी नवंबर इशू में हम लोगों का पेपर भी आया है इस जर्नल में, तो ये Q1 जर्नल है। Q1 Q2 जर्नल्स के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे कि किस कौन से जर्नल्स को Q1 और Q2 जर्नल्स बोलते हैं। और हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस जर्नल की वेबसाइट खुल गई है। तो आप इसके बारे में यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ये मंथली जर्नल है, हर मंथ में इसका एक इशू आता है और मैं आपको इसका नवंबर का इशू सर्च करके दिखा देती हूँ, खोल के दिखा देती हूँ। तो मैंने खोल भी रखा है, आई थिंक ये रहा, इसका नवंबर का इशू है और उस नवंबर के इशू में हम लोगों का पेपर आया हुआ है, सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब इससे आगे मैं जो जर्नल डिस्कस करने जा रही हूँ उसको मैं इस तरीके से sci.journal.org पे सर्च करके नहीं दिखाऊंगी, सीधा मैं आपको जो है उनके स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ थोड़ा, जिससे वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो ये एल्सवेयर का था। अब इसके बाद जो हम जर्नल डिस्कस करेंगे वो स्प्रिंगर का भी है, एक जर्नल एक स्प्रिंगर नेचर का भी है और एक अदर है, तो देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक। मैंने कोशिश की है जो कमेंट सेक्शन में मुझे मिला था फीडबैक
वो जर्नल्स भी इंक्लूड करने की। तो आप ऐसे ही कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहिए और हम लोग कोशिश करेंगे आप सबके जो कमेंट्स हैं उसको इंक्लूड करने की। तो सेकेंड जर्नल है हमारा ऑप्टिमाइजेशन एंड इंजीनियरिंग, ये इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है टू प्रमोट द ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग साइंस। और इसका इम्पेक्ट फैक्टर है 2.760 2020 तक, और क्वार्टरली ये पब्लिश्ड होता है। एम एंड स्कोप है इसके, ऑप्टिमाइजेशन एंड इंजीनियरिंग इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल, इस प्राइमरी गोल टू प्रमोट द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मैथड इन जर्नल एरिया ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। ये स्क्रीनशॉट है scijournal.org का, जहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन एंड इंजीनियरिंग को सर्च किया था। तो ये नीदरलैंड का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हाइलाइटर से भी दिखा देती हूँ आपको, कि ये अभी भी है ना SCI के अंदर। तो आप यहाँ पे scijournal.org पे जाके इसको देख सकते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन इन इंजीनियरिंग के टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हैं, ऑप्टिमाइजेशन इन इंजीनियरिंग साइंस। तो आप यहाँ पे अपनी फील्ड्स देख सकते हैं, ये मैथ्स का और सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। तो ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा जर्नल है। नेक्स्ट जर्नल हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसका इम्पेक्ट फैक्टर है 2.081 2020 में, मंथली है ये भी। सबमिशन फर्स्ट डिसीजन ये 23 डेज में दे देते हैं, तो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है इनका। एक्सेप्टेंस 190 डेज में, और एम और कवर एरिया ये भी क्या कर रहा है, इंटर डिसिप्लिनरी थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल रिसर्च है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इंजीनियरिंग साइंस का, और काफ़ी सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे इसके। ये हमारा scijournal.org से स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे हमने दिखा रखा है कि अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी भी ऑन गोइंग है, 2009 से ऑन गोइंग है। यहाँ जर्नल होम पेज से आप क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो सेकेंड थर्ड जर्नल हो गया हमारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये हमारा फोर्थ जर्नल है, और फोर्थ जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस एंड न्यूमेरिकल सिमुलेशन, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 2.007। ये 8 इश्यूज पर ईयर आता है, और ये लार्ज एरिया है जिसमें टॉपिक्स को कवर करता है। तो मैथ्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिक्स भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, और फिजिक्स भी है। और फिजिक्स में फिजिकल या मैथमेटिकल फिजिक्स जो होती है वो भी कवर करता है। तो ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है इसका, और ये scijournal.org से इसके स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे दिखा रखा है कि ये 2000 से अभी भी ऑन गोइंग है, और ये जर्मनी का जर्नल है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। दो वीडियोस हमारे आ चुके हैं, एक में हमने स्कोपस डिस्कस किया है, एक में हमने SCI डिस्कस किया है। तो आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें कंबाइन करके हम SCI और स्कोपस को डिस्कस करेंगे, और मैंने कोशिश की है जितने भी कमेंट्स आते हैं उसको इंक्लूड करने की। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, फीडबैक देते रहें, और होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं मोटिवेट करते हैं।